अच्छा आपका बात करेंगे हम स्लीप एपनिया के बारे में, जो दिन में आपको नींद आती थी, आप बताओगे कैसे था ये सर्जरी से पहले क्या होता था दिन में आपको? सर्जरी से पहले जैसे मैं हमारा टाइम होता है 10 बजे फ्री, मतलब भाई बहन जब चले जाते हैं अच्छा तो जी मैं आके बैठ गई समझो। अच्छा जी जैसे ही मैं बैठी हूँ, अगर मान लो अभी नाश्ता बन रहा है या कुछ हाँ हो रहा है तब तक फ्री हूँ मैं, हाँ तो बस बैठे बैठे मैं सो जाना अच्छा सो जाना। तो उसके बाद फिर उन लोगों ने मेरे को हंसना, हाँ बहन यही बच्चे, फिर हाँ दीदी हाँ देखो आपको कैसे सो रहे हैं, अच्छा ऐसे मुझे सुन रहा है मान लो सो रहे हैं, हाँ पर हाँ मैं पूरा आनंद में रहती थी भी मेरे को नींद कोई आई नहीं जाती थी आ रहा बार है बार। तो आ रही है। अच्छा उसके बाद नाश्ता करने के बाद ना 11 साढ़े 11 बजे उसके बाद फिर मैंने लेट जाना वहीं अच्छा अच्छा पब्लिक लॉबी में ही, अच्छा जहाँ सभी लोग घूम रहे हैं जा रहे हैं आ अच्छा रहे अच्छा हैं, वहीं लॉबी में लेट जाना और कंबल ऊपर डलवा लेना, फिर सो जाना। बैठे भी सोना दिन में और बिस्तर पे भी, बिस्तर तक तो जाती नहीं थी इसीलिए, अच्छा लेकिन अच्छा बाहर जनरल जगह पे भी जहाँ इतना शोर हो रहा है वहाँ भी कोई सो आ रहा है, जाते थे सो आप? ही रहती, सो ही जाती थी बिल्कुल। तो अब कैसे है? अब तो मैं पूरी एक्टिव रहती हूँ, वो अच्छा नहीं है अब वो सोच, नींद नहीं आती, नहीं नहीं वो वो नींद नींद की याद आती है अब कभी भी, ये कैसे आती थी वो नहीं नींद? अब तो सोचूं, अभी जैसे यहाँ बैठे थे हाँ हाँ अपना रिलैक्स होके बैठी हूँ, पर अब नींद अच्छा नहीं आती अच्छा ऐसे। अच्छा हाँ तो कार में बैठते ही सो जाना, अच्छा ये लोग लेके जाते ये हैं। बहुत सारे पेशेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि बैठे बैठे नींद आ जाती है, यदा मतलब की है कि यदा लिंक डायरेक्ट हैगा मोटापे नाल। अभी सर्जरी को कितना टाइम हुआ आपके? मेरे को 14 नवंबर को ही थी शायद, मतलब एक बारह महीना हो तेरह गया नवंबर ना, को। एक हाँ महीने च किन्ना वेट घटिया थोड़ा? मेरा 14 किलो 15 किलो। चौदह किलो। हाँ सो 14 किलो वजन घटन नाल आपां इस रिजल्ट ते पहुंचे हैं कि मतलब जो दिन में भी नींद आती थी, मतलब क्या था? जब रात को सोते हैं टंग फॉल करती है, जीभ और पीछे रात को करती है, सोती नहीं थी, हाँ रात को वो एकदम भी, एकदम उठ के बैठ जाना मैंने हाँ एकदम से वो भी ऐसे। देखो ये इट्स अ लॉ ऑफ नेचर, कुदरत का कानून है, भगवान ही बताता है आपको कि भी आप उठ के बैठो, हाँ आप सो नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन कम कम होती हो है रही उस वक्त, है। क्योंकि जैसे गर्दन हैवी होगी और आपकी टंग फॉल करती है और सांस रुकता है, तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो फिर उठ के बैठेंगे या दिन में बैठे बैठे नींद आ रही है। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में जमा हो गई है रात रात को, वो जो जमा हो गई वो फिर दिन में आपको ऐसे से आपको नींद आती है। ये बीमारियां ऐसी हैं, हमारे मुल्क में पहले होती नहीं थी, तो इसका हमें इलम ही नहीं है कि चक्कर क्या है, क्यों नींद आ रही थी। अब गर्दन थोड़ी पतली हुई है, अब सेट हो गया हाँ गर्दन तो सब। सब कह रहे हैं ये सब जल वो हो गया अब ना आपका। रात को नींद आती होगी अच्छी से हाँ आराम से। आप ही ठीक है। सो ये चक्कर तो सिर्फ ये ऑब्स्ट्रक्शन का था कि रुकावट थी, वो अब रुकावट दूर हो गई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन अंदर आती है। तो जिसको कि ये समझ लो कि हमारी गर्दन ही खुद हमारा गला दबा रही है, ये मोटापे की बीमारी है।